सिंगरौली जिले में कच्ची महुआ शराब की बिक्री जोरों पर है। इसे लेकर बरगवा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कच्ची महुआ शराब की बिक्री करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार करने में बरगवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सरई निवासी राजेश केशरवानी बड़े पैमाने पर कच्ची महुआ शराब लेकर बरगवा थाना क्षेत्र में बेचने जा रहा है, जिसके बाद बरगवा टीआई नागेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने डगा में घेराबंदी कर अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री करने पहुंचे राजेश केशरवानी को धर दबोचा, जिसके कब्जे से 55 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी राजेश केशरवानी के खिलाफ बरगवा पुलिस ने थाना बरगवा में मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बरगवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक हरिनाथ, प्रधान आरक्षक संजीत सिंह, उमेश अग्निहोत्री, जितेंद्र हामिद खान, आरक्षक नरेंद्र यादव, गणेश रावत, ब्रजेंद्र धाकड़, दिलीप रावेंद्र, राजकुमार तिवारी, लक्ष्मीकांत मिश्रा, विवेक सिंह की सराहनीय भूमिका रही।